अकेलेपन को कैसे झेलें, कैसे अकेलेपन से निकलें। और जिसने पूछा है वो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स ज्वाइन कर चुका है, वो प्रैक्टिसेस को ट्राई भी करता है बट फिर भी डर लगता है कि अकेलापन, इनफैक्ट उसी लिए उन्होंने ज्वाइन भी किया था ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, लेकिन फिर भी अकेलेपन से उनको निकलने का डर लगता है, कैसे निकलेंगे, निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो अकेलापन है ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको है। जैसे हम सबके पास फिजिकल बॉडी है, हम सबको सर्दी खांसी होता है, हम सब बीमार हो सकते हैं और हम सब फैक्चुअली मरने वाले हैं, ये तो फैक्ट है। और जो भी आदमी सीरियसली इसके बारे में सोचेगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा, इसलिए आम आदमी सोचता नहीं है। लेकिन अकेलेपन के बारे में हम सोचते हैं, इसकी बहुत से वजह हैं। एक वजह तो ये है कि अकेलापन मार्केट में बहुत बदनाम है, जो भी फिल्में बनती हैं उसमें दिखाया जाता है अकेलापन कैसा महसूस होता है, और उसको देख करके हमको लगने लगता है कि हम भी शायद ऐसे ही हैं। अकेलापन अपने आप में क्या है, इसको अगर हम देखना शुरू कर देंगे तो उसका रिजल्ट आएगा एक फ्रीडम। इनफैक्ट ज़ेनोगा कहती है इस चीज़ को कि गॉड जो है उसको अगर आपको जानना है तो वो अकेलेपन में ही मिलता है। इनफैक्ट जो भी स्टेट ऑफ अलोननेस है वो एक दरवाज़ा है, एक मेथड है जिसके ज़रिए आप अपने सेल्फ को, अपने गॉड को, अपनी फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जिसको हम लोग अकेलापन करके परेशान हो रहे हैं वो हमारा केवल अंदर की ढेर सारी इच्छाएँ हैं कि एक ऐसा ज़िंदगी हो जिसमें हमारे सब ढेर सारे दोस्त हों, हम खेलें कूदें, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मैं उनसे बात करूं, कोई मुझे टॉन्ट ना मारे, हर आदमी मुझे अच्छा अच्छा महसूस कराए। वो केवल दिमागी कल्पना है, और वो कहाँ से आता है, एक इमेजिनेशन से। बचपन से ही अगर मान लीजिए मुझे किसी मेरे कज़न ने बेइज्जत किया, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने मुझे बेइज्जत किया, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है स्कूल में और किसी फ्रेंड के ढेर सारे दोस्त हैं या किसी आदमी के ढेर सारे दोस्त हैं, तो मन में एक इमेजिनेशन होती है उसकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी और मेरी लाइफ उसकी इतनी अच्छी है नहीं। और आजकल तो अकेलेपन का और भी ज़्यादा नए नए सोर्सेज हैं, अगर आप उसको ध्यान से ना देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे वो झूठ है। इंस्टाग्राम पे जो भी चीज़ें आप शेयर करते हैं, अभी आज ही हमारे जान पहचान के एक दोस्त हैं, उन्होंने ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं इंस्टाग्राम के लिए कि हम कितनी कूल लाइफ जी रहे हैं। आपको पता है अगर हवाई जहाज़ से आप ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी फ़ोटो खींच करके आप डाल रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि आई हैड अ ग्रेट डे, आई एम गोइंग टू लॉस एंजलिस, तो केवल एक या दो बार आपको अच्छा लग सकता है। और जिनको भी बार बार ट्रैवल करना पड़ता है वो पगला जाते हैं, घर का खाना खाने के लिए पागल हो जाते हैं, उनको खाली घर पे आराम से लेटने के लिए, जिसको आप अकेलापन करें कि घर के बिस्तर मुझे अकेलापन की तरह काटती है, वो चाहते हैं वो चीज़ जिनको ढेर सारे लोगों से मिलना पड़ता है। फिज़िकल बॉडी होने का ये बाई प्रोडक्ट है अकेलापन, बट एट द सेम टाइम ये अकेलापन एक ब्लेसिंग भी है अगर आप अपने माइंड को स्टडी करना चाहते हैं। ज़ेनोगा प्रैक्टिस करने से आपका अकेलापन ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये कोई टूल नहीं है कि आपने बटन दबाया और पंखा चला और अकेलापन गायब हो, ख़त्म हो गया, इसे पसीना सूख जाता है इसी चलाने पे, ऐसा नहीं होता। ज़ेनोगा करने से आपको, प्रैक्टिसेस करने से आपको अपने माइंड के थॉट्स और इमोशंस का मूवमेंट दिखाई देगा। आपको ये दिखाई देगा कि अगर मेरी वाइफ मुझे चिल्लाती है, डांटती है या मैं उसको टॉन्ट मारता हूँ तो उस समय ये थॉट्स क्यों मुझे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, उसके ऊपर मेरा रेगुलेशन कैसे होगा, कैसे थॉट्स का मेरे ऊपर शिकंजा हल्का हो। ये जो अकेलेपन का कॉन्सेप्ट है ये एक थॉट का मन के ऊपर शिकंजा है कि मुझे ये चाहिए। लोगों के मन में ऐसे ढेर सारे शिकंजे होते हैं, एक खूबसूरत बीवी चाहिए, उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, एक शिकंजा दुनिया पूरे समाज में है कि हमारे बाल ऐसे होने चाहिए, तभी तो बाल के ऊपर फिल्में आ रही हैं, टकला हो जाएगा, लोग टकला टकला करते हैं तो ख़राब लगता है। ये सारे के सारे थॉट्स का ग्रिप है हमारे कॉन्शियसनेस पे, और ये ग्रिप बना रहेगा जब तक कि इन थॉट्स को देख करके हम पहचान नहीं लेंगे कि ये थॉट्स हैं, ये चल रहे हैं बस। जैसे घर में चूहे चलते हैं या कॉकरोच चलते हैं या मच्छर उड़ते हैं, जब आप देख लेते हैं तो आप छोटे बच्चों की तरह डरते नहीं हैं, आप कहते हैं ठीक है भाई उसके लिए इलाज करो, चूहे के लिए एंटी रोडेंट डाल दो, सिस्टम मैनेज कर दो, मैनेजमेंट होता है ना, एंटी रोडेंट मैनेजमेंट होता है घर का, वो कर दो, और मच्छर उच्छर के लिए आपने मच्छरदानी लगा लो। ऐसे ही आपके अकेलेपन को नहीं आप सॉल्व करेंगे, आपको थॉट्स के साथ देखना होगा कि कितना स्ट्रांगली आप अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो कैसे कर पाएंगे,
वॉच देम साइलेंटली। जिसको आप अकेलापन कह रहे हैं ना, उसी अकेलेपन को यूज करिए, शांत होकर के बैठिए। और कुछ चाहिए मत, कि मुझे कुछ चाहिए, अकेलेपन से दूरी चाहिए। एक तो पहले अकेलापन था, अब आपके पास नया प्रॉब्लम आ गया कि अकेलापन दूर कैसे करूं। ये दोनों चीज़ें आपको केवल भरमाएंगी, दूर करेंगी। किस चीज़ से दूर कर रही हैं? जो आपके लिए सोल्यूशन हो सकता है अकेलेपन का, वो क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। आपके अकेलेपन का सोल्यूशन क्या क्या है बताता हूँ मैं आपको। किचन में जाइए, आराम से चाय बनाइए, चावल बनाइए। कभी चावल बनाया है आपने? खाना बनाने आता है? आटे को सान कर रोटी बनाने की कोशिश करिए। नहाइए, जब पानी सर पे गिरे तो उस समय गाना मत गाइए। लोग गाना गा करके अपना नहाने को एक्सपीरियंस को ही लॉस कर देते हैं। जिस समय आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को ध्यान से देखिए, बिकॉज वो चीज़ और आप जब तक अलग अलग हैं तभी तक आपको अकेला महसूस होगा। छोटे बच्चे हर चीज़ को पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हैं। शीश को देखा है कैसे नकली रॉड को लेकर के तलवार बनाकर लड़ाई करते हैं? उनके लिए नकली रॉड भी असली रॉड है। दे आर फीलिंग देमसेल्व्स लाइक गॉड एंड हीरोज इन देयर ड्रीम। लेकिन आपने क्या कर रखा है? अपने मन में हर चीज़ को, जो मीनिंगफुल चीज़ है उसके अंदर भी मीनिंग नहीं है आपके पास। आपकी फिजिकल बॉडी की हेल्थ, जब कभी भी आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि पिछली बार जब मैं बीमार था और अब से और अब में कितना डिफरेंस है। अकेलापन का सोल्यूशन है आपका बहाने से प्रेजेंट मोमेंट में आइए। उस दिन होली का दिन था तो उस दिन हम भी बड़े अकेले हो गए थे। सुबह सुबह कोई मेड नहीं आई, काम भी नहीं था उस दिन। तो उस दिन मैंने, रिम्पी भी बोली थी सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो उस मैंने खूब अपने अकेलेपन को दूर किया। कैसे? बर्तन मांज मांज के। अब मैं देख रहा था, जब मैं बर्तन को मांज रहा था ना, उस समय थॉट्स चल रहे थे, ढेर सारे थॉट्स चल रहे थे। मैंने नए नए थॉट्स, ऐसा लगता था कोई पेंडोरा बॉक्स खुल गया हो। जब आप नई नई चीज़ें करेंगे तो नए नए थॉट्स आएंगे आपके। अभी आप शायद वही रूटीन की चीज़ें कर रहे होंगे, वही ऑफिस जाना, वही लोगों के साथ बात करना, वही लोग घूरते होंगे, नमस्ते बॉस, नमस्ते बॉस, कंप्यूटर खोला, एक रूटीन चलती होगी। उसी रूटीन में आपको अकेलेपन का महसूस होता होगा। चेंज योर रूटीन। कोई नई गली पकड़िए, ऑफिस जाने का नई गली पकड़िए। खैर आजकल तो क्वारंटाइन का टाइम है, आप आजकल तो घर पर रहिए। नए तरीके से सोइए, नए बिस्तर पर, पुराने बिस्तर की जगह नए बिस्तर पर सो जाइए, एक दिन सोफे पर सो जाइए रात को। और जब नींद नहीं आएगी, बॉडी अकड़ जाएगी, तो आपको अपना बेड और अपना अकेलापन बड़ा अच्छा लगेगा। किसी दिन देखिए, ट्राई टू चेंज थिंग्स। उस चेंज में होता क्या है, सडनली आपका अवेयरनेस फ्रेश हो जाता है, नया हो जाता है। अलमारी खोलिए, सारे कपड़े नीचे फेंक दीजिए और एक एक करके फिर से सेट करिए। अपनी अलमारी को देखिए कितना खूबसूरत, वो आपका गर्लफ्रेंड हो जाएगा, सारा अकेलापन दूर। जेन मोनेस्ट्री में सिंपल सी यही चीज़ें कराते हैं उनके। आप पता है एक सैंड, वो होता है क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉपर सैंड गार्डन होता है। उस गार्डन में बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस, और उसके बाद उसको नेक्स्ट डे चेंज कर देते हैं। देर इज अ प्रॉपर, ये तो बहुत जगहों पर दिखाया भी गया है। जेन मॉन्क्स क्या करते हैं, लामाज जो होते हैं स्पेशली, वाइट हाउस में गए या यहाँ पर इंडिया में कहीं बड़े ऑफिशियल्स के, वहाँ पर एक बड़ा सा टेबल दिया जाता है उनको, और वो बहुत बारीक कलर्स जो पाउडर होते हैं, अलग अलग पाउडर उसमें ऐसे होते हैं, ऐसे मेटल के पीसेस होते हैं, उसके अंदर कलर डाल देते हैं और कलर को गिरा गिरा कर बहुत मुश्किल क्राफ्ट बनाते हैं। वो रेत का कलर होता है, वो मिलता भी है, आप खरीद सकते हैं। उसको बनाते हैं एक महीने में और उसके बाद उसको साफ करके लेके चले जाते हैं। एक महीने तक खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद उसको साफ करके ले जाते हैं। ये कहने का तरीका ये है कि लाइफ इस ऐसी ही जीनी है, हमको खूब खूब मन से जीना है, और उसके बाद ये ट्रांजिटरी है तो पैक करके दूर कर देना है। हम जिस चीज़ को बहुत सीरियसली पकड़ रहे हैं कि अकेलापन, ये भी ट्रांजिटरी है, ये बॉडी ट्रांजिटरी है, तो ये अकेलापन तो ट्रांजिटरी है ही। बट अगर आपको सेल्फ को जानना है तो इस अकेलेपन के बॉर्डर को तोड़ना होगा, और उसको तोड़ने के लिए सबसे स्ट्रांग टूल कौन सा है? प्रेजेंट मोमेंट। आपके कपड़े, आपके बाथरूम, आपका टॉयलेट, आपका झाड़ू, और आपकी वाइफ, आपका बच्चा, उसके साथ अपने थॉट्स को देखिए कैसे कुछ नया होता है। ट्राई न्यू थिंग्स। न्यू इज द किलर ऑफ अकेलापन। डोंट मेक न्यू गर्लफ्रेंड्स, वो पुरानी होनी चाहिए। माइंड नया होना चाहिए पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ।